अस्सलाम वालेकुम। और जी सेरो तगड़े हो वाह हो किसी दी भाई साहब लास्ट टाइम चाच मीठा तेज हो जाता किसी दी मिशू करो सी हो जाता किसी दे बीवी दा दुख हुंदा साडा सवा सवा गैस हो गया ते अभी हम चलते हैं गैस पर आने। भाई साहब सिर ते आ गया तो साडा हाले ते नाश्ता नहीं बने क्योंकि गैस खत्म हो गया। पा चुके हैं गैस वाली दुकान ते भाई आज प्लेट ठीक करने गया तो फिर आते अपना गैस भर दे। तो अभी हम जा रहे हैं दूध लेने क्योंकि मेरे जो भांजा है वो ना भैंस है जो उसका दूध पीते थे। हमारे घर ना गाय का दूध आता है गाय का, तो मैं इसलिए उसके लिए ना भैंस का दूध लेने जा रहा हूँ। पहले रात को उसको गाय का दूध पिलाया तो वो ना उसने उल्टी वगैरह करी, तब चलते हैं उसके लिए भैंस का दूध लाते हैं। तो नाश्ता वगैरह इतना ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ चाय पिए, वो भी बहुत मुश्किल से पी गई यार, दर्द में बहुत ज़्यादा दर्द है। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾੜ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇ ਖਾ ਵੀ ਲਈ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਖਾਣ ਖਾਣ ਦਬਣ समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। के बच्चे संभालना बहुत ही मुश्किल काम है और ये बच्चा तो बिल्कुल ही बहुत बड़ा शैतान है और सबसे बड़ा शैतान अभी आपने देखा नहीं वो भी आपको दिखा। सबसे बड़ा शैतान है, इसके जिस्म देखे दाने निकले हुए और ये अल्लाह इससे बदला ले रहा है जो ये मुझसे लड़ता है। ये कौन सा मुझ से साल लड़ता है, अल्लाह इससे बदला ले रहा है। अल्लाह कह रहा है काके को संभालना बहुत मुश्किल है। तो चावल वगैरह थे वो मैंने खा ले क्योंकि मैं चावल खाने से बिल्कुल ग्रेज नहीं करता। तो ये तो बात आपको भी पता है, अगर चावल वो पाई वाले घर में बने हो तो कौन रुकता है यार। मैंने तो खा लिए पेट भर के, लेकिन जो दर्द की दर्द थी ना वो रुक गई, अब अल्लाह का शुक्र है वो दोबारा नहीं हुई। तो चावल मैंने भी पेट भर के खाया। डॉक्टर ने मुझे एक बात शुरू कर कहता बेटा चावल नहीं खाने, चावल नहीं खाने। तो मैंने कहा मैंने इस बात से रुकना ही नहीं।